जशपुर जिले में विकास खंड दुलदुला के ग्राम पंचायत चटकपुर के आश्रित गांव सारस बाहर के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले पोषक आहार को चोरी छिपे आंगनवाड़ी की सहायिका के घर ले जाते हुए पोषक सामग्री को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसमें आटा, दाल, गुड़, चूड़ा समेत अन्य पोषक आहार मिला। इस मामले की जानकारी गांव के मुखिया सरपंच को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही सरपंच ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए गांव के लोगों को बुलाकर बैठक की। बैठक के दौरान सभी ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी में काम कर रही सहायिका को इस प्रकार का कृत्य करने पर नियमित रूप से कार्रवाई करने का निर्णय लिया। वहीं सहायिका निर्मला वाड़ा ने अपने उच्च अधिकारी पुष्पा पटेल के निर्देश पर बचे हुए सामान को अपने घर ले जाने की बात कही है। मीडिया की टीम ने इस बात की जानकारी लेते हुए पुष्पा पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ये आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप चावल और गुड़ क्या है जो घर ले जा रहे थे, गांव के लोग देख लिए, तो गुड़ था फिर कहे ले जा रहे थे आप? ना सर, बचत हुआ था तो मैं ले जा रही थी। तो सरकारी है ना, शासन का है, आपका घर का चीज थोड़ी है, किसके लिए आता है वो? बच्चों के लिए आता है। तो उसको घर ले जाएंगे? बचेगा चाहे कुछ भी है तो उसको आप घर ले जाएंगे? नहीं तो पुराना चीज को रखना भी नहीं है तो। कौन बोले हैं, कौन अधिकारी बोले हैं आपको पुराना घर को ये नहीं रखना है? कौन अधिकारी बोले थे बताएंगे जी? कौन? पटेल साहब। कौन पटेल है? पुष्पा पटेल। बचेगा सबको घर यहाँ पर नहीं रखना, इसे बोले घर ले जाना बोले जी, थोड़ा थोड़ा लेकर के। सरपंच, बीडीसी और गाँव वासियों के साथ बैठक हुई, वहाँ पर ये बात आई कि सहायिका जो समाज लेके जा रही थी उसको गाँव वाले जब्त किए। फिर सबके सामने सहायिका माफ़ी भी मांगी, अपना उसको गलती को मानी भी कि ये सामान को नहीं लेना था करके। और वो सामग्री को किसी के कहने कि मतलब उसको घर लेने के लिए किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। क्यों बोलेंगे हम कि आप पोषण आहार सामग्री को घर लेके जाओ करके, जबकि हम खुद बच्चों के दर्ज संख्या के आधार पर उनको पूरे महीने का सामान दिलवाते हैं, गर्म भोजन का सामान भी और रेडी टू ईट भी, तो फिर उसको घर लेने के लिए तो नहीं बोले हैं। तो सर आरोप लगा रही है कि आपके बारे ये आरोप गलत है सर, पूरा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे द्वारा किसी प्रकार का उनको कुछ बोला नहीं गया है कि आप पोषण आहार सामान घर लेके जाओ करके, गलत आरोप लगा रही है। बताइए कैसे आपको ये मिला? ये सामान जो है खेत की मेड़ पर मिला हमको। वो क्या बोलते हैं, परमाराम, वो बुलाया मेरे को, आओ देखने, एक बोरा में सामान रखा हुआ है, क्या चीज है हम नहीं जान रहे, कहके बुलाया और हम दोनों पहुँचे और वो बोरा को खोल कर देखे, उसमें मिला ये राशन सामान, ये गुड़ है, चिवड़ा 2 पैकेट, 5 किलो का ये आटा है, दाल है और एक ठो क्या बोलते हैं रेडी टू ईट फूड पैकेट है। इसको मैं दूसरे दिन जब पता किया तो देवराज राम 2 कट्टा लेकर जा रहा था आंगनबाड़ी से, वो क्या बोलते हैं निर्मला जो कार्यकर्ता है उसके घर पहुँचा रहा था और 1 कट्टा को वहीं छोड़ दिया था, ऐसे बताया वो मेरे को। फिर दूसरे दिन मेरे को बोलने आया कि मेरा सामान को दो, कह के मांगने आया था, मैं बोला कि नहीं दूंगा, इसको हम पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद सामान को जमा करेंगे, बच्चों का जो आहार है बच्चों को ही मिले। सरपंच जी बताइए क्या बैठक रखे थे, क्या है कार्य? हाँ, वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में बैठक रखा गया था, जो सामान को ले जा रही थी घर और पूरा सामान को भी पूरा ग्रामीण के सामने खोल के दिखाया गया और सभी ग्रामीण वासियों का कहना है कि इसका आगे कार्यवाही हो और कार्यकर्ता को हटाया जाए, ऐसा उन लोग मांग रखे हैं। तो क्या था उनके ऊपर, जो क्या किए, क्या थे वो? वही जो बच्चे लोगों का खाने के लिए सामान आता है उस सामान को घर ले जा रही थी और उसमें गुड़ था, चिवड़ा था, आटा था, यही सब था और उसको घर ले जा रही थी। फिर ग्रामीण के द्वारा उसको पकड़ा गया और सामान को लाया गया है और अभी सामान ग्रामीण भाई लोगों के पास ही है। तो क्या निर्णय हुआ आपका? निर्णय में यही लिया गया कि सभी ग्रामीण का कहना, ग्रामीण वासी का कहना है कि मैडम को कार्यवाही हो
और यहाँ से मैंने हटाया जाए, ऐसा ग्रामीण लोगों का कहना है।